दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक बालक समेत तीन लोगों को गोली लगी। दशाश्वमेध थाना के मीरघाट में हमलावरों ने रविवार की दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बालक समेत तीन लोगों को गोली लगी है। इसमें महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर सपा नेता विजय यादव को मारने आए थे। पब्लिक ने एक को पिस्टल समेत पकड़ लिया, अन्य भाग गए। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम हाई सिक्योरिटी जोन के समीप सरेआम गोली चलने से पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफ़ी संख्या में हमलावर सपा नेता विजय यादव पर हमला करने की नीयत से आए थे। मीरघाट हनुमान मंदिर के पास हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे गोली छटक कर एक 7 साल के बालक और महिला को लगी। महिला विजय यादव की पत्नी बताई जा रही है। अचानक गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घेर कर एक हमलावर को पिस्टल के पास पकड़ लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर समीप के शीतला घाट के बताए जा रहे हैं। सपा नेता को मारने की नीयत से असलहे के लेस होकर आए थे। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें बालक, महिला और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी। सपा नेता हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। बीस से 25 संख्या में जो जानकारी मिली, हमलावर आते हैं और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देते हैं। देखिए, एक ये घटना है थाना क्षेत्र दशाश्वमेध के मीरघाट एरिया में, जो विजय यादव और रमेश यादव जो टोटल 6 भाई हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ रहता है और उनके परिवार में उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हैं। ये हमारे पास सूचना आई थी पुलिस के पास कि कुछ लोग हमलावर इनके घर में आ गए हैं और इनके साथ मारपीट करी है। कुछ फायरिंग की भी सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पे हमारा फोर्स पहुँचे, हम लोग सारे सीनियर अधिकारी पहुँचे, आसपास के थाना क्षेत्र के लोग भी पहुँचे और जो लोग घायल थे उनको इलाज के लिए सकुशल, पहले हम लोगों की प्राथमिकता थी उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना, वो कराया गया। अभी जानकारी के अनुसार टोटल ये जो घर के लोग हैं, इसमें 6 लोग हैं, जो सभी लोग अभी खतरे से बाहर हैं। कोई बहुत बड़ी उसमें इंजरी किसी के नहीं है, एक छोटा बच्चा भी है वो भी ठीक है, सभी की हालत स्थिर है। और एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया गया था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी उनके साथियों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, उनकी भी हम लोगों ने जानकारी कर ली है और जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ जो परिवार है उनकी तरफ से हम लोग तहरीर ले रहे हैं और गंभीर धाराओं में इसका मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर, कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग जो हमारे पास सूचना आई थी लगभग 1 बजे के आसपास आई थी, तो उसके आसपास की ये सूचना है और घटना है। और भी परिवार की तरफ से हम लोग तहरीर प्राप्त कर रहे हैं, मुकदमा लिखा है। सर, वर्चस्व की बात आ रही है कि वर्चस्व को लेकर ये विवाद हुआ? देखिए, विवाद जो उसका मुख्य कारण है वो अभी परिवार के लोगों से हम लोगों ने बात करी है और जो मोटा मोटी पता चली है कि आपस में जो इनका वर्चस्व की लड़ाई है, पहले भी एक दो बार ये पता चला कि लड़ाई झगड़े की सूचनाएं मिली हैं और मुकदमे भी हुए हैं, तो उसकी भी जानकारी की जा रही है किसके ऊपर क्या मुकदमे हैं। जो भी होगा हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। इतनी सिक्योरिटी वाले इलाके में, अगर कॉरिडोर के आसपास में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, चूँकि वो मोहल्ला है और वहाँ घाट है, ये लोग जैसा आसपास के लोगों ने बताया कि घाट की तरफ से नदी की तरफ से आए, वहाँ के कैमरे भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और अगर वहाँ पुलिस नहीं थी तो वो भी हम लोग देख रहे हैं और आगे से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी, अभी उनके घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कराई जा रही है। ठीक, 26 तारीख के लड़का दुनिया चल से आए लल भैरोनाथ दर्शन करे, गोविना सहिला अंकित यादव शोभित अंकित यादव। आज क्या घटना घटी है? आज तक पूरा घर में घुस के पूरी घर, 6 साल के बच्चा हमार पोता 5 बजे भोर में आयल लखनऊ से, हमरे बच्चा के गोली लगल, हमरे देरानी के गोली लगल, हमरे गोली लगल, हमरे देवर के लगल, हमरे बेटवा के वह कान फट गल, पिस्टल हम छीन ली हाथे से, हमरे माथे में भोक दिले है। गोली चलाने वाला कौन था? वह लिया ये सब पहले के सब लगा हुआ, ये सब दुकान पे हमरे दूध बेचत रहल साहिल कि 302 के मुलजिम निकाल देली तो बदला ले लस। अंकित यादव ये देखिए कितना दिन से हम लोग कार्रवाई नहीं, 5 दिन से लखनऊ दुकान पर से जो हटेले रही रोजगार के लेके क्या हुआ है घटना? घटना पर हम ऊपर में खाना खा रहे थे, कुछ लोग आए हमारे घर पर और फिर शोर शराबा कर रहे थे, गाड़ी गुलौज दे रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे दरवाजे पर, फिर हमने नीचे उतर के आया तो तुरंत गोली चलाना चालू हो गया, जो कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। पीछे वाला भैया, एक मिनट, कौन लोग थे ये सब?
ये सब अंकित यादव जो है सरगना है, अंकित यादव उसी के सब सरगना थे। ये गोविंद यादव है, साहिर यादव है, इसमें करीब चार कम से कम नहीं तो चार आदमी को हम पहचानते हैं और बाकी 20-25 लोग आए थे। पूरा गली भरा था। अच्छा, हमने दौड़ाया था, दौड़ा के हमने गोविंद यादव को हमने पकड़ा और पकड़ के हमने पुलिस के हवाले दे दिया। कितने राउंड गोली चली है? गोली कम से कम 4-5 राउंड इधर चली, 3 राउंड तो अंदर चला है, 2-3 लोग को तो लगा है अंदर ही में। अभी हमने दौड़ाया था, फिर हम लोग दीवार में छिप गए थे तो वहाँ भी गोली चला। अब गोली चलाने के बाद फिर हमने उसको दौड़ाया, हम तो बिना कपड़े पर थे, हम तो गमछा पहने थे, फिर भी हमने उसको दौड़ा के उसको पकड़ा हमने। कितने लोग घायल हैं? घायल कितने लोग? घायल कम से कम 4-5 लोग हैं। क्या क्या नाम है? आपका रजनी यादव, किरण यादव और सुमित यादव और सोन यादव। गोली भी किसी को लगी है? हाँ, गोली लगी है ना, दो तीन लोग को लगी है गोली। किसको? डामा सेंटर में भर्ती है ना।